तो ये है कार, ये है बाइक, हम जा रहे हैं बस से। तो बाइक भी है कार भी है, बट बारिश का मौसम है और अकेले के लिए कार अफोर्डेबल नहीं है, और बाइक से बारिश का मौसम है इसलिए जा रहे हैं बस से। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है बट क्या ही कर सकते हैं। तो पहुंच गया हूँ मैं मालेगांव, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे और धूप है बहुत ज़्यादा, बारिश तो हुई नहीं रास्ते भर में। चलो देखते हैं क्या क्या केमिकल लेने हैं, कुछ एक्सेसरीज लेनी है मुझे, लॉन्ड्री बिजनेस का सामान लेना है, बने रहिए। तो आज है सैटरडे और यहाँ पे मुंबई से काफ़ी सारा सामान आता है यहाँ पे। बट हमें यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है। कैसे यूज करने का इसको धोने के लिए, इसका सलूशन भी बना सकते हो, रेगुलर वाले यूज कर सकते हैं, यूज करने में आसानी रहेगी ऐसा मेरे को। तो इससे फोटो भी अच्छा आएगा आपका, हां फोटो में अच्छा दिखेगा, हां इससे फोटो भी अच्छा आएगा। कैसे यूज करना है इसको, 35 ले ले यार, 30 ले लो बस। कैसे यूज करेंगे इसको, इसको आप डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हो, 10 ड्रेस के लिए एक चम्मच, हाँ। या तो इसका सोल्यूशन भी बना सकते हो, 5-6 लीटर पानी में एक पैकेट का सोल्यूशन बना लीजिए। एसिड स्लरी वगैरह बोलते हो, ये तो नहीं, नहीं उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप यूज करेंगे। एसिड बेस्ड नहीं है, कास्टिक बेस्ड नहीं है, एक्चुअल में शैम्पू का ही रॉ मटेरियल है। हाँ आपको मशीन को कोई नुकसान नहीं करता, पीली वाली रेडी होता है, चलेगा, यूज करूंगा इसको मैं, पीली वाली रेडी है, पीली। कौन सी मस्जिद आपकी, बड़ी मस्जिद ना, नूरानी मस्जिद, नूरानी मस्जिद के नियर में सारे लॉन्ड्री केमिकल मिलेंगे यहाँ पे। तो दो केमिकल मैंने लिए हैं, एक हाइड्रोसल्फेट और जेली सोप, तो उसका क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या मैं कैसे इसे यूज़ करूँगा और डिटेल में आपको दिखाऊँगा घर जाके, तो बनी रही है। तो मैं अभी जस्ट आ गया हूँ, 5 बज गए थे मुझे आते आते, और मैंने जो दो केमिकल लेके आया हूँ ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है हाइड्रोसल्फेट, जो आप वाइट कपड़े जो आपके येलो हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं ना, तो इनको यूज़ करना है। ये 50 ग्राम आप 5 या 6 कपड़ों में यूज़ कर सकते हैं, 10-12 लीटर पानी रहेगा, मतलब कपड़े जितने डिप हो जाएंगे ना उतना पानी चाहिए, और ये 50 ग्राम लेना है और उसमें कपड़े डिप करके रखना है जैसे ब्लीच करते हैं वैसे। केमिकल वालों ने कहा है कि ये ब्लीच से पहले करना होता है, बट मेरा मानना है कि ब्लीच के बाद में हाइड्रो करना है कपड़ों को। मैं इसकी डेमो वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा, और ये मैंने पहले बहुत यूज़ किया है। हाइड्रोसल्फेट रस्ट एंड क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होता है, जो ब्लीच वगैरह तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो वाइट कपड़े जो पीले हो जाते हैं ना, तो उनमें ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है। रंग कार्ड भी इसे बोलते हैं, और हाइड्रोसल्फेट इसे आम भाषा में बोला जाता है। और ये है लिक्विड जेली सोप है, ये मतलब इसमें है ना हार्डनेस नहीं है कुछ भी, ये जो शैम्पू की तरह होता है, बट इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, काफ़ी अच्छे से झाग आता है अगर ये यूज़ करते हो ना। तो हाइड्रोसल्फेट भी यूज़ करने का काम नहीं है, और कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करने का काम नहीं है, इसी से लिक्विड डिटर्जेंट बनाए जाते हैं,
उसमें परफ्यूम वगैरह और एक दो इंग्रेडिएंट डाल के लिक्विड डिटर्जेंट बनता है। तो ये 80 रुपीज़ केजी है, बट कितना वर्थ है, मैं यूज़ करूँगा उसको अच्छे से। 1 केजी मैंने अभी लाया है और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा बल्क में भी लाने वाला हूँ। तो ये है जेली सोप। तो ये दो केमिकल अभी मैंने लाए हैं और ये मैं यूज़ करूँगा और फिर आपको इसका फीडबैक ज़रूर दूँगा, डेमो वीडियो भी बनाऊँगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। और इसी तरह के केमिकल के एक्सपेरिमेंट लॉन्ड्री बिजनेस के लिए, ड्राई क्लीनिंग बिजनेस के लिए हम करते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तभी हम इस तरह की वीडियोज़ और आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।